ऐसा दिखाई दे रहा है, सामने गेट नहीं है, ये हमारा चूल्हा है। अमर सिंह है मेरा नाम। अच्छा, यहाँ कितना जमीन था आपका यहाँ पर? यहाँ पे हमारे पास 10 बीघे जमीन थी। हाँ, तो उसका मुआवजा मिल गया आपको कि नहीं मिला? भी नहीं, मुआवजा मिल गया है। हम कुछ मिला है कुछ नहीं मिला, सब ऐसा ही है। अच्छा, अभी नहीं मिला है, केस पर लग रहे हैं, केस में केस गिर रखा है। हाँ, ये चौकनो मिल जाए ना तो चौकनो मिल लो है। चौकनो के पीछे लड़ाई चल रही है, ना जमीन को मिलो मुआवजो, ना घर मकान को मुआवजो मिलो, अभी फाइल ही ना लगी। तो घर के प्लॉट नहीं मिला कुछ? कुछ नहीं, प्लॉट मिल गए, वो गड्ढे में मिले हैं प्लॉट। अच्छा, वो गड्ढे में बना ही ना सके, एक मंजिल है, गरीब आदमी तो बना ही ना सके। अच्छा, वो गड्ढे में चले गए। आप जाके देखोगे वहाँ पे हाईवे के लिए जो मट्टी उठी ना, जाके देखोगे तो जमीन खरीदी इन्होंने, खराब है। हम मकान भी बैठ गए और देखो सीवर लाइन है वो चालू नहीं है, वहाँ परेशान है जनता। दीवार कूद कर लैट्रिन करने जाए तो किसान डंडा लेकर बैठे रहे, वो डंडा बजाने के लिए तैयार है, वो लैट्रिन ना करने अपने खेतों में, खेतों में लैट्रिन नहीं करने, तो सीवर जाम पड़े हैं, ना सीवर की कोई सुविधा है। भैंसन के लिए कही की भैंसन के लिए तुम्हें प्लॉट दिया जाएगा, पशुवाड़ा दिया है, कुछ भी नहीं है, ना पशुवाड़ा नहीं कुछ नहीं है। बाकी हर एक आदमी के पास में ना जाते वो भी। अच्छा, अब मेरे प्लॉट की हद का है वो 1380.50 है। हाँ, और मुझे दियो पहले 680, वो और उनके कहे थे हद का इन अधिकारी ने 380 दियो है। अब 1380 से कितनी देर में आगे को यहाँ रोटी डालने के लिए आते हैं इन लोगों? हाँ। तो ये जानवरों को लेके नहीं गए यहाँ से? इन्हें कहाँ पे ले जाएं? अच्छा, इनकी कोई सुविधा थोड़ी ना, जब हमारी कोई सुविधा ना है तो इन्हें कहाँ ले जाएंगे? अच्छा, वहाँ तो छोटे छोटे मकान छोटे छोटे मकान है। कहाँ मकान था आपका? ये मकान है मेरा, एक तो ये मकान को निकल लेंगे, ये ऊपर। अच्छा, सर आपको ये नहीं लगता कि जो अधिग्रहण किया गया, जो एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, इसमें कुछ जल्दीबाजी की गई? कुछ लोगों को बसाना था, अभी तक बस नहीं पाए लोग, क्योंकि घर नहीं बन पाए, वो ठंड में बाहर रहने के लिए मजबूर हैं। देखिए, कोरोना की दो जो लहर आई उसकी वजह से हमें काफी दिक्कत हुई और जो टाइम लाइन थी हमारी वो बाधित हो गई। आपका कहना बिल्कुल सही है कि किसानों को जो विस्थापन हुआ है उसमें समय की और आवश्यकता थी, लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार का समझौता था संबंधित कंपनी से कि कब तक उन्हें जमीन को दिया जाना, उसलिए किसान भाइयों को दिक्कत तो हुई है, लेकिन अधिकारियों के साथ बैठकर हम उनकी दिक्कतों का समाधान कराने के लिए समय समय पर बैठकें करते हैं। और उन दिक्कतों के लिए मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हम एक बहुत बड़े जेवर की तरफ बढ़ रहे हैं, उस बदलते जेवर की तरफ। तो अगर वहां मेरे किसान भाइयों को थोड़ी बहुत दिक्कत भी हो रही है तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि हम एक बड़ी चीज के लिए
छोटी चीजों को थोड़ा भूल जाएं और सहयोग करें इस क्षेत्र के विकास में और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, उस रास्ते के लिए जिसकी हम सैकड़ों वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे। नाम क्या है, कौन से गांव में रहते हो और आपकी जो क्या मतलब बताइए आपका नाम? मेरा नाम ओमपाल सिंह है, पिताजी का नाम महिपाल सिंह, मेरा गांव रोही है। आपका जो गांव है एयरपोर्ट के लिए विस्थापित कर दिया गया है और आप कह रहे हैं कि आपको अभी प्लॉट सही से नहीं मिला है, मुआवजा जमीन का नहीं मिला है, मतलब क्या दिक्कतें क्या आ रही हैं? ना तो इन्होंने हमारा जमीन का पैसा दिया, ट्रोमलन में जमा कर दिया, हमने फाइल भी लगा दी तो अभी वहां से पैसे नहीं दिलवाए इन्होंने। अभी ये वादे कर रहे हैं, सब झूठे वादे, प्लॉटों में भी गड़बड़बाजी कर रहे हैं कि किसी को जो इनके दलालों के अंडर में उनके काम सही कर रहे हैं, बाकी ये किसी का भी काम नहीं कर रहे, खाली दलालों के थ्रू काम हो रहे हैं। आपकी यहाँ पे कितनी जमीन थी, कितना बड़ा घर था और अब जब पीछे आप देख रहे हैं कि ये सारा टूट गया है? हमारे हद का 1380.50 वर्ग मीटर जमीन थी जिसमें हम रह रहे थे यहाँ पे, उसका हद का 680 इन्होंने प्लॉट बनाया था पहली लिस्ट में, फिर वो काट के 380 दिया हमें और वो हद का वो भी गड्ढे में कर दिया उन्होंने। तुम्हें अभी तो 1 रुपया नहीं मिला, 1 रुपया भी ना आने हमारे कहा पड़ा जो किराया रहे, हम तो अपने तेज जाते हम तो मजबूरी के लिए पड़े, ये छोटे मोटे बच्चा है अभी हमारे पास आज पड़े रहते हैं। जाए कोई गाँव कौन सा? नगला शरीफ खान, बहुत अत्याचार हो रहा। अब चलो हमारे घर चलो आदमी को दे दिया, इतना अत्याचार हो रहा, यहाँ से ज्यादा और कोई अत्याचार ना, बस यही कसर रहेगी पब्लिक मार दो। तुम्हें विश्वास नहीं आ रहा, मेरे पास चलो गाड़ी है, मेरे पास आया प्लॉट पर ले चलूंगा वहाँ जहाँ पटवारी बैठता, कोई सुनवाई नहीं है। कैसे गुजर होएगी जी बताओ, कैसे गुजर होएगी तुम बताओ? क्योंकि आप लोग तो दूध पे ही काम करते हो ना, आप लोग तुम्हें नौकरी ना मिले तुम्हारे बच्चे पल जाएंगे। अधिकारी सर जल्दी जल्दी कट्टू के साथ एक ये कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं किसी का निकल जाएंगे आज जैसे अपने चला जाता अपने। ठीक है हसरुद्दीन नाम है लड़का का, हसरुद्दीन बालक बच्चनदार। सर अधिग्रहण को लेकर आप लोग कोर्ट गए हैं, क्या कारण है आपका? शासन और प्रशासन के लोगों ने हम लोगों के साथ जाति की है और हम जो कोर्ट गए हैं, हम एयरपोर्ट का हम विकास चाहते हैं, एयरपोर्ट को रोकना नहीं चाहते, लेकिन कानून के 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के तहत जो उसमें इन्होंने हमारे साथ खामियां रखी हैं शासन प्रशासन के लोगों ने, हम वे हमें हमारी मांगों को हमारे अधिकारों को हमें मिलना चाहिए। जैसे चार हम गांव हैं और इन्होंने हमें पहले ग्रामीण से शहर बना दिया और जब शहर से ग्रामीण फिर दोबारा बना दिया सप्लीमेंट्री अवार्ड करके, और जब हमें आबादी को ग्रामीण मान लिया तो हमारी कृषि भूमि को शहर मान रखा है। ऐसा हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ जहां आबादी को ग्रामीण मान लिया जाए और उनकी कृषि भूमि को शहर मान लिया जाए, कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है हिंदुस्तान में, कहीं मान्य न्यायालय में ऐसा किसी जजमेंट नहीं हुआ, इस तरह की जजमेंट नहीं हुई। तो हम ग्रामीण होने के नाते चार गुना हमें बाजार दर पर चार गुना हमें सर्किल रेट मिलना चाहिए, और हमें प्लाट आवंटन जो हुए हैं वो प्लाट आवंटन हमें जब ग्रामीण के हिसाब से हुए हैं, आबादी ग्रामीण मानेंगे तो उसका हमें सब खर्चा चार गुने के हिसाब से दिया जाए और हमारे प्लाट भी चार गुने के हिसाब से दिए जाए, हमको हमारे पशुओं के रहने के लिए जगह दी जाए, हमारे बच्चों को नौकरी दी जाए, हमें हमारे जो हम कहीं भी कृषि भूमि खरीदें तो हमारे स्टाम्प शुल्क 100 रुपए के स्टाम्प पर, अधिक से अधिक 1000 रुपए के स्टाम्प पर भी किसान लेने के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश में कहीं भी कॉमर्शियल एग्रीकल्चर या रेजिडेंशियल हम जमीन खरीदें तो वहां पर हमें ये शुल्क की छूट मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से।